हरिओम श्री राम अम्बज्ञ। मैं रायसिंह कुलकर्णी इंदौर मध्य प्रदेश केंद्र से हूँ। एक अनुभव था मेरा जो मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करूँगा। वैसे मैं बापूजी से सन 2000 से जुड़ा हुआ हूँ और पूरी तरीके से बापूजी के सानिध्य में मैं 2006 से आ गया हूँ और अभी तक बापूजी की बहुत कृपा रही है। ऐसे एक अनुभव है जो 2018 का है और मेरे फ्रेंड का है। मतलब मेरे फ्रेंड की शादी में मैं जाना चाहता था और मैं गया भी था और उस मेरा क्लोज़ होने की वजह से मेरे फ्रेंड की फैमिली और मेरी फैमिली हम बहुत क्लोज़ थे। तो बचपन का मेरा दोस्त था, उसकी शादी थी, तो उसकी शादी जो तय हुई थी वो भुसावल में हुई थी। तो 2018 की बात है, फरवरी का महीना था और भुसावल में उसकी शादी तय हुई थी। तो उसने जो हमारा क्लोज़ होने की वजह से मैं उसने मुझे कहा था कि आपको सारी जिम्मेदारी राजेश तुमको ही संभालनी है, क्योंकि मेरा एक छोटा भाई है जिसको इतना मार्केट का नॉलेज नहीं है, तो ये सब तुम्हें ही करना है और तुम मेरे साथ रहना और ये सब तुम्हें ही करना है। तो मैंने कहा ठीक है। वैसे ही 21 को हम बारात लेके भुसावल के लिए हम निकले, तो तय ये हुआ था कि अपन सुबह निकलेंगे 11 बजे और बीच में कहीं भी अच्छी जगह देख के ऐसे अपन बाहर का खाना खाने से अच्छा सब बस रहेगी पूरी, अपने पास बहुत सारे लोग हैं तो ऐसी जगहों पर अपन खाना खाएंगे जो सबको सुटेबल भी हो और सबको अच्छा भी लगे, फैमिली लायक स्थान भी हो। तो सब तुझे ही देखना है बस में और तुझे ही रोकना है और सब कुछ तुझे ही करना है। तो इतनी जिम्मेदारी होने के बाद मैंने कहा ठीक है, अब देखते हैं। अपना बापूजी तो पे मुझे पूरा विश्वास था कि बापूजी ये सब काम मेरे से अच्छे से करवा लेना। 21 को हमारी यात्रा चालू हुई, उसके साथ हम सब नाचते वगैरह मतलब सब गाते वगैरह उनका चल रहा था, सब मेहमान लोग थे बस में और मैं जगहों की तलाश में था कि बापूजी एक अच्छी सी जगह मुझे देख के देना जहाँ पे इनका सबका सेटिस्फेक्शन भी हो जाए और अच्छा भी लगे, क्योंकि लेडीज़ें भी बहुत थी साथ में, तो कोई अच्छी जगह मिल जाए। और ऐसे ही एक जगह दिखी जिसमें एक छोटा सा हल्का सा एक मंदिर दिखा मुझे, तो मैंने वहाँ पे बस रुकवाई। सब बोले यार ये तो छोटी सी जगह है, यहाँ पे मतलब कोई ऐसा और इतना अच्छा स्थान नहीं लग रहा, और सब मंदिर तो ठीक है पर मंदिर बहुत अच्छा है पर उसके हमको ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस होगा। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं बस में से उतर के एक बार मैं चेक करके आता हूँ। मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे एक बुज़ुर्ग बैठे थे, उनसे मैंने बात करी कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और दादा हम यहाँ पे खाना खा सकते हैं क्या और हमारे साथ फैमिली भी है। तो उन्होंने एक बार में हमें हाँ बोला और उन्होंने उनके मंदिर के पास में एक छोटा सा दरवाज़ा था वो खोला और हम लोगों ने सब ने अंदर एंट्री करी। तो देखते देखते बहुत बड़ा बगीचा अंदर हमको देखने को मिला, फूल थे वहाँ पे, वॉशरूम थे लेडीज़ों के लिए अलग से व्यवस्था थी और पानी भी भरपूर था और सभी को बहुत अच्छा लगा। सब ने वहाँ पे खाना वाना खाया और उसका सारा श्रेय मुझे भी दिया कि आपकी वजह से आज बहुत अच्छा काम हुआ। मेरा दोस्त मुझे खास किया और बहुत अच्छा टेंशन था पर ये अपना सब साफ हो गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने मन ही मन सोचा और उसको भी कहा तो अपने सदगुरु हैं बोले हमारे। मैंने कहा मेरे अनिरुद्ध बापूजी मेरे साथ हमेशा रहते, मैंने कहा उनकी वजह से ये सब हुआ। जैसे हम सब आगे पहुँचे उसके बाद में उसने कहा था कि अपने को एक मंदिर है बोले जो बीच में लगेगा उस पर अपने को वहाँ पे हार फूल वगैरह सब चढ़ाना है तो ये भी तुझे ही सब करना है। मैंने ठीक है। तो ऐसे मंदिर आया, मैं और मेरा उसका एक भाई था छोटा वाला वो मेरे साथ, हम दोनों उतरे वहाँ गए। तो देखते देखते वहाँ क्या हुआ कि वहाँ पे एक मधुमक्खी का एक छत्ता था, तो मधुमक्खी का छत्ता एकदम किसी ने उसको डिस्टर्ब करा कि क्या हुआ पता नहीं, मधुमक्खी एकदम उड़ी। उसमें से मेरा हाथ ऐसा रखा हुआ था खंभे पे और वो उसका जो भाई था वो सब पूजा पाठ की सब सामग्री वहाँ दे रहा था, उतने में वहाँ भगदड़ मच गई, सब लोग इधर उधर भागने लगे मधुमक्खी, और उसमें से 4 मधुमक्खी मेरे एक हाथ पे काटने लगी। वो चार मधुमक्खी मेरे सिर्फ एक ही हाथ पे काटी, मेरे राइट हैंड पे, एक पंजे पे, एक कोनी पे, एक इधर कंधे पे और एक मेरे गर्दन के इधर, ऐसे एक ही जगह पे मेरे को 4 मधुमक्खी। और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अगरबत्ती मुझे चेटा दी हो, तो इतना दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा कि यार अब इतना सब अपने को संभालना है और हाथ कैसा सूजेगा और क्या होगा, सब लोग मुझे कह यार ये लगा ले वो लगा ले मिट्टी लगा ले कुछ भी करके कर, पर मैंने कहा कुछ भी मत करो, मेरे सदगुरु पे मेरे को पूरा विश्वास है। मैंने उनके सबके सामने उदी निकाली और पूरे अपने पूरे हाथ पे सब गर्दन के आसपास लगाई और मेरे पास मेरी बच्ची भी थी जो किसी के पास जाती नहीं थी, बहुत रोती थी। तो मेरे को ये भी टेंशन था कि यार इसे बापूजी सब सही कर देना क्योंकि अगले दिन शादी है और मुझे सब कुछ बहुत जिम्मेदारी है क्योंकि उसके हॉल की चाबियाँ उसका सामान वो सब मैंने कहा मुझे अरेंज करना है और ऐसे इसमें मैं कैसे जाऊँगा वहाँ पे कि हाथ सूज जाएगा और कैसा। फिर भी मेरे को पूरा विश्वास था कि बापूजी तू सब कर लेंगे, बिल्कुल कर ही लेंगे। मैं गया और सब बूदी लगा के, आपको विश्वास नहीं होगा दोस्तों, इतना मतलब अनुभव था कि मेरा हाथ पूरी तरीके से दूसरे दिन पूरा मतलब नॉर्मल रहा, ना कोई दर्द था ना कोई सूजन थी, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मैंने पूरी शादी को निपटाया। और वो लोग भी आश्चर्यचकित करने लगे उसके माँ बाप की, यार वाकई में उदी में, और सब ने बहुत तारीफ़ करी कि वाकई में, और सब ने मेरे से उदी भी ली और मैंने सबको उदी का वितरण भी किया।
तो एक ये अनुभव बहुत बहुत बढ़िया रहा मेरे लिए, मेरे जीवन में ये हमेशा मुझे यादगार रहेगा। ऐसे ही मैं बापू जी से हमेशा यही विनंती करता हूँ कि ऐसे ही हमारे सामने मेरे साथ हमेशा रहे, मेरे दोस्तों के साथ, मेरे मित्रों के साथ और सभी के साथ ऐसे ही हमेशा हमारे उस पर कृपा बनाए रखें। यही मेरे उनके चरणों में प्रार्थना। हरिओम श्री राम अम्बज्ञ।